हाल ही में चंद आज़ाद आपको आपकी हत्या करने की कोशिश की गई चार लड़के थे जिन्होंने आप पे फायर किया गोली लगी आपको टच करके निकली तो आगे भी ऐसी कोशिश हो सकती है तो उसके लिए आप क्या एहतियात बरत रहे हैं नहीं मैं आपने ये पुलिस के स्टेटमेंट के बाद शायद कहा कि चार लड़के थे जबकि हमने जो हमारे साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमने उनमें रिकॉर्ड रिकॉर्ड दिया कि चार से ज़्यादा लड़के थे हुँ.

जातिगत झगड़ा कर कराने का प्रयास क्यों किया धार्मिक झगड़ा कराने का प्रयास क्यों किया इसकी जानकारी होनी चाहिए तो उनकी संख्या ज़्यादा थी एक वो बड़ा ग्रुप था जो इस षडयंत्र में लंबे समय से जो साजिश कर रहा था लेकिन उनके मनसा जो है मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि साहब काशी नाम कहते हैं तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हज़ार होते हैं तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हज़ार होते हैं हमारी तमन्ना सच्ची जिस काम को हम करने के लिए लगे हुए हैं वो काम पूरा होना है और उसमें जब तक तक हमारा योगदान है हम लोग उसमें लगे रहेंगे तो उन्होंने ये प्रयास किया इससे मुझे इसका आभास था कई बार मेरी गाड़ी का पीछा हो मैंने इसके लिए आ, उत्तर प्रदेश पुलिस के डीजीपी को भी और मुख्यमंत्री के नाम और गृह मंत्री जी के नाम भी अप्लीकेशन की है वहाँ के एस डीएम को भी अप्लीकेशन दी थी उन्होंने लापरवाही बरती क्योंकि इस देश में जैसे मैंने कहा जाति के आधार पर व्यवस्था ऊँच नीच है तो पहले तो इन जातियों में पैदा होने के बाद आपके कोई भी आप रास्ता लोगे तो उसमें बहुत सारी कठिनाइया किसान अगर कमेरे वर्ग में आप पैदा होते हैं फिर ये समाज देश की व्यवस्था कारण आर्थिक रूप से भी कमजोर है गैर बराबरी का शिकार है उनका पालन करना पड़ता है तो इसलिए जो है एहतियात के तौर पे तो हम बस खुद को सतर्क ही रख सकते हैं वरना मैंने सरकार से मांग की है कि मुझे लाइसेंस प्रोवाइड करवा दें जिससे कि मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकूं लेकिन अभी तक उस पर कोई सकारात्मक कदम पुलिस सरकार ने अप्लाई किया है हाँ मैंने अप्लाई किया मैंने दो साल पहले भी अप्लाई किया था तब उन्होंने अब आपराधिक रिकॉर्ड का करके जबकि मेरे सारे मुकदमे जो है राजनीतिक मुकदमे हैं उसका हवाला देके उसको जो है बाधित कर दिया था लेकिन अब जो है मैंने फिर पुणे जो है वहाँ किया है क्योंकि ये ऑर्डर भी है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर किसी को इस तरह खतरा हो तो वो लाइसेंस अप्लाई कर सकता है तो मैंने वो लाइसेंस अप्लाई किया है उम्मीद है इस बार लाइसेंस बनेगा क्योंकि अब तो यूपी में तो पुलिस की कस्टडी में हत्या हो जा रही है तो अभी क्या आपको कुछ सिक्योरिटी मिली हुई है जो अभी हमला हुआ उसके बाद से आपको कुछ देखिए मुझे ये बताया गया था कि घर पे सुरक्षा दी गई है अब मैं परमानेंट घर पे नहीं रहता हूँ मुझे अपने पार्टी के काम के लिए इलाज के लिए और अन्य कामों के लिए मीटिंग रैली के लिए पूरे देश भर में जाना पड़ता है जी तो ऐसी कोई जानकारी मुझे नहीं है कि इससे ज़्यादा कुछ व्यवस्था पुलिस ने या सरकार के लोगों ने सुरक्षा की की है घर पर आपके हैं पुलिस वाले हाँ ऐसा मुझे जानकारी है कि घर पर क्योंकि अभी मैं घर पर नहीं तो उस, उसके मुताबिक मेरी बात उनसे नहीं हुई घर जाऊँगा तो मुझे पता लगेगा इक्कीस तारीख की रैली के बाद कि घर पर सुरक्षा है या नहीं है मैं फिर कहूंगा कि ये पुलिस की लापरवाही है और ये सब सरकार के सहारे पे हो रहा है ये तो घर पे है भी तो जरूरत तो आपको है आ, ना घर पे क्यों है अब ये तो सरकार इसका जवाब दे सकती है या उत्तर प्रदेश पुलिस दे सकती है उनके कारनामें ऐसे ही होते हैं कल उन्होंने एक उनकी फाइंडिंग कमेटी है उन्होंने रिपोर्ट बना के आजम खान जी की सुरक्षा हटाने की घोषणा कर दी थी कल जब हम लोगों ने दबाव बनाया और हमने सरकार से मांग की कि लापरवाही उनके साथ कोई अनहोनी हो सकती है उसकी जिम्मेदार सरकार क्योंकि फिर सरकार बैकफुट पे आई कल रात में फिर ऑर्डर किए और पुणे मुझे लगता है उनकी सुरक्षा जो है बहाल हुई है जिस तरह का खिलवाड़ सरकार कर रही है ये तरफ सत्ता के इशारे पर और वो सत्ता का जो घमंड है होता है सरकारें आती जाती रहती जब आदमी सत्ता में होता है तो थोड़ा सा वो ताना सा घमंडी हो जाता है उस समय उसको आ, ये सब चीज़ें नहीं दिखाई देती कि उसके द्वारा कितने गलतियाँ की जा रही हैं एक समय पर आके जब जनता उससे सत्ता छीन लेती फिर उनको एहसास होता है कि उन्होंने क्या बुरे कर्म किए जिसकी वजह से जनता ने उनसे सरकारें छीन ली तो इनका घमंड भी टूटेगा